वाल साहब, क्या हाल है जनाब? खैरियत है मेरी जान? जरा सा पहली बात तो ये क्लियर करनी चाहूंगा जी कि यहाँ पे जो ये एक आम सोच पाई जाती है कि पेट्रोल पंप के मालकान ज्यादती कर रहे हैं, हाँ जी, उस हवाले से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप के मालकान के साथ पिछले कई अरसे से जो गवर्नमेंट कर रही है ज्यादती, अच्छा, वो भी सामने आनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है जी? गवर्नमेंट जो है जुनैद साहब, वो जो हमारी रेशो है प्रॉफिट की, वो सारी तो गवर्नमेंट खा जाती है। देखे मालकान जो है जिन्होंने इतना पैसा लगाया होता है, आप सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल पंप के लिए महंगी जगह, अच्छी जगह सड़क के ऊपर चाहिए होता है। ये जुनैद साहब को मुर्गियां नहीं जिड़िया बंदा पेंड पिछले कमरे च भी पाल लेता है, या पेट्रोल पंप जो है वो थर्ड फ्लोर पर डाल लेंगे। वो नहीं सकता ना जी कि तुसी तीसरे चौथे फ्लोर ते कमरा लेके उधर पेट्रोल पंप पाल वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सड़क के ऊपर एन नुक्कर के ऊपर लगना होता है। मतलब आप उस प्लाट की जब कीमत पूछते हैं कि कितने का प्लाट है, तो मुंह भर के कह देते हैं जी 1.5 अरब रुपया। तो फिर पेट्रोल के ऊपर प्रॉफिट कितना है? 3.6 पैसे। तो 1 लीटर पे होगा ना? वैसे तो मतलब आप दिन में 1 लीटर पेट्रोल बेचते हैं। वो तो फिर अल्लाह की रहमत है ना, बेक जाए तो बहुत बेक जाए। बात तो जो है जब पा करना होता है तो वो तो फिर लीटर पीछे ही करना होता है। और उस तो जुनैद साहब नुकसान बहुत होता है इस एटम में, उड़ जाने वाली एटम जो है, गैसी दोबारा उड़ जाता है। ओ यार, वो काका तुझे नहीं पता, वो पढ़े लिखे आदमी है, वो समझते हैं सारी बात को। नहीं, पढ़े लिखे तो आप भी हैं जो इतनी यकीन से गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा, कसूर ही गवर्नमेंट का है। अच्छा अच्छा, ये पढ़ा लिखा बंदा ही समझ सकता है। गवर्नमेंट आप ऐसे कहते हैं जैसे बंदा कहता है टूर्नामेंट हो रहा है। टूर्नामेंट अलहदा चीज है। अच्छा, पता तो ना साहब, बात ये मैं करना चाह रहा था कि देखे उड़ जाने वाली एटम है, बड़ा मुश्किल होता है जी उड़ जाने वाली एटम जो होती है ना। मेरे बाबे का पुत्र जी जुरात साहब, उन्हें भी उड़ जाने वाली एटम का बिजनेस शुरू कर, तोते बेचन लग पे। अच्छा, जुरात साहब आप तो अच्छा भला जानते हैं, 25 लाख रुपए का जोड़ा बगा लिया सुल्ला बर्ड का। अच्छा, वो मैं कह भैड़े आए तो 50-60 हजार का भी जोड़ा मिल जाता है। कहता पाजी तुहानू नहीं पता है की जोड़ा है, ये कलर ही नायाब है। मैं मान गया, मैं हाँ ठीक है। मैं हफ्ते 1.5 हफ्ते फोन किया, मैं कह सुना बिजनेस कैसा जा रहा है माजो? माजो सुना पुत्र बिजनेस कैसा जा रहा है? कहता पाजी बिजनेस उड़ गया है। वो मैं क्या क्या मतलब? कहता पाजी मुंडा रख लिया मैं नान टक निकल। वो नाम रात दाना पान गया जे ते मेरा सारा माल ही उड़ाता। 25 लाख रुपया माजो दा उड़ गया जे। अच्छा, पेट्रोल आप बता रहे थे ये भी उड़ जाने वाली आइटम, उड़ जाने वाली आइटम है। और जुरैद साहब फिर उसमें जुल्म ये हो रहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर ठीक है प्रॉफिट जो है अपना रेट जो है पेट्रोल का मार रहा है, वो मगर यार रल खाओ खंड खाओ, बिल्कुल ठीक, जो रेट बढ़ा रहे हैं वो नीचे तक पता तो चलना चाहिए, पंप के मालकान को भी तो पता चलना चाहिए ना, रेट बढ़ा है, पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ है, असीं अखबार से ही पढ़ी जा रहे हैं, और जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट का ही जा रही है। भाजी हुण मिलेगा पेट्रोल के नहीं? मिलेगा मिलेगा, तुसा खुदकुशी करनी है। खुदकुशी की कर रहा पेट्रोल नु? उनका सारा बिजनेस भी पेट्रोल पे है जनाब। अच्छा जी, ये मुंह में पेट्रोल भर के वो आग लगाते हैं। आपके सामने रोना, रोने का मतलब ये है कि डोंट से ऑन वन साइड, देखो मेरे मुंह की निकलिया। मैं कह रहा हूं कि दूसरी साइड भी तो चेक करे ना, उसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। अच्छा वर्ड साहब, आप पर इल्जाम बेशुमार है, मिलावट, महंगाई, और फिर कम देना, नापतोल में कमी करना, फिर बवक्ते जरूरत पेट्रोल होल्ड कर लेना, यानी दूसरे लफ्जों में जखीरा अंदोजी, ये मिसाइल तो है ना आपके साहब? काम ही कुत्ता है।
तो कुत्ता काम ऊपर से उड़ने वाला, उड़ने वाला कुत्ता पहली दफा सुना है। इल्जामात की बुछार है, हर बंदे की इधर खोपड़ी में फंस गया, कस्या गया कि मिलावट होती होता। हर बंदा मिलावट नहीं करता। जुनैद साहब अगर इतना बड़ा रिस्क लिया है ना, और छत्ती कारोबार मेरे भरा दी काटन मिल जे, काटन मिल आप समझते इस वक्त क्या रूज है। और वो उड़ने वाला बिजनेस भी नहीं, उड़ने वाला भी नहीं। जेड़े काटन दी मिल भरा दी ते ओ नेरी आवे, वैसे काटन भी उड़ सकदी है। रॉ मटेरियल सारा अंदर पड़ा होता, गोदाम बड़ा बड़ा वड्डा जो होता। बट साहब मैं रात को आपके पेट्रोल पंप पे गया, 2 मील लंबी लाइन लगी हुई थी और पेट्रोल भी आप लोग महंगे दामों बेच रहे थे। हाँ जी। और थैले भाई ने बेचारे ने परसों ही गाड़ी ली है और कल पेट्रोल बंद हो गया। गलती है वैसे। मैं आपको यार वो गल शुरू तो हुई है। हाँ जी जी जी, उड़ने वाले काम तो गल शुरू। हाँ जी, उड़ने वाले आइटम तो है ये। बात ये कर रहा हूँ कि रिस्की काम है, रिस्की काम। दूसरा रुख देखो, हड़ताल तो हुई है, आप लेके ही है, आप लेकर आप रेशो अच्छी मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह, जुड़ा साहब के जरा को गल बाहर निकल दिए, वो लोग तड़ा तड़ बाहर निकल के यार दुध वाले उल्टोया च पेट्रोल पवा लिया लोग, दुध वाले उल्टोया च यार ये केड़ी केड़ी है, मेरा मतलब ये केड़ी झोटी है जिड़ी पेट्रोल दे रही। पेट्रोल पंप वालों को गालियां दे रहे हैं लोग 2-3 दिन से, तो तू अकल रब थे जरा नहीं है। वो यार 2 मिनट था लवो, गवर्नमेंट मुतालबा बल लेती है, तो असी फिर पेट्रोल खोल ही देना। सानू भी पता चुराया सब उड़न वाली आइटम रखे तो उड़ जाएगा। पेट्रोल पंप आपने पेट्रोल ही बेचना, सिंगाड़े तो बेचने नहीं। जाहिर है, जाहिर है। ताले गल अकल रब पे रख गए तो आप हर काम करे। वो क्या कहते हैं जुराया साहब, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चटानों पर। अब मिसाल वो दे रहे ना, पहाड़ की चटान से चला पेट्रोल पंप नहीं। जाहिर है उड़ने वाली आइटम है तो पहाड़ों की चटानों पर ही होगी ना। बट साहब किन्ने बजे थोड़ी आइटम उड़ती है, मैं इन फड़ना है। अपना हाल पेट्रोल तितली थोड़ी जी फल लेना। आइटम तो वही पेट्रोल उड़ी गई। देखो गल अपनी लालच कोई नहीं है, इंसाफ जरूर भाग रहे हैं, इंसाफ होना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम अल्लाह ताला का शुक्र जरूर अदा करना चाहते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम के 2500 शोज पूरे हुए। माशाल्लाह।